पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। क्या पदार्थ स्थान घेरता है? हाँ सर। घेरता है? हाँ सर। अपन किसी भी बर्तन में कोई सामान ले, ठोस, अगर अपन ने एक बाल्टी ले ले या एक कप ले ले, उसको पूरा रेत से भर दे और उसमें अगर अपन ये पत्थर रखना चाहे तो क्या उसके अंदर आ जाएगा क्या? नहीं सर। अगर उसमें से थोड़ी रेत निकाल दे तो फिर पत्थर को रख सकते हैं? सर। यानी पत्थर को रखने के लिए अपन ने क्या किया, उस ठोस को यानी रेत को बाहर निकाला, जैसे ये निकाला है। ये अपन ने रेत का भर दिया इस बर्तन को, उसमें अपन को पत्थर रखना है तो उतनी रेत अपन को बाहर निकालनी पड़ेगी जितना पत्थर का आकार है। यानी रेत में क्या क्या स्थान घेर लिया। ऐसे अपन द्रव्य की बात करें तो क्या द्रव्य भी स्थान घेरता है क्या? हाँ सर। एक बर्तन लिया अपन ने, उसको पानी से भर दिया, उसमें अपन ने एक पत्थर रखा, क्या पत्थर आ जाएगा क्या? आ जाएगा, लेकिन पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे ये अपने पास एक बीकर है, इसको पानी से भर दिया, अगर मैं इसमें पत्थर रखूं तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। यानी पानी ने भी स्थान घेर रखा था, पानी ने भी स्थान घेर रखा था। अब अपन बात करते हैं गैस की यानी वायु की, क्या वायु भी स्थान घेरती है? सच्ची बात है। हाँ सर। आप पहले तो कह रहे थे नहीं घेरती, घेरती है ना? जैसे अब इसके अंदर क्या है? वायु। वायु। और इसमें क्या है? पानी। अब इसके अंदर जो वायु है वो स्थान घेरती है, वो अपन देखते हैं। अभी पानी का स्तर कितना है वो देखेंगे। ये अपने पास बोतल का ऊपर का कटा हुआ है ना, इसको मैं, इसका जो ढक्कन है उसको मैंने एक रोड से जोड़ रखा है, जो ऊपर से इसको अपन ढक्कन को खोल सकते हैं। खास बोतल का नीचे का कटा हुआ भाग है, इसमें थोड़ा पानी है, और जब मैं इस बोतल के ऊपरी भाग को इस पानी में डुबूंगा तो इस भाग में क्या आएगी? वायु। मैंने इसको इसके अंदर डुबो दिया पानी में, तो वायु वाला भाग क्या है? पानी के अंदर डूबा हुआ है। वायु वाला भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी का स्तर अपन ने क्या कर दिया? 1.3। अब अपन देखते हैं यदि अपन इस ढक्कन को धीरे से खोलेंगे तो क्या होगा? वायु बाहर आएगी। वायु ने स्थान घेर रखा है तो उस स्थान में पानी जाना चाहिए, क्योंकि वायु बाहर आ जाएगी, और पानी अगर वायु वाले स्थान में जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? नीचे चला जाएगा। अपन देखते हैं धीरे धीरे जब अपन इसको खोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? पानी का स्तर नीचे आ रहा है, यानी वायु बाहर निकल गई तो पानी का स्तर नीचे आ रहा है। और अपन को यही देखना था कि वायु स्थान घेर, यही चीज अपन को सिद्ध करना था, समझ गए? हाँ। वायु स्थान घेरती है।